वो तो ऐसे दो फेसेस वाले लिजर्ड को देखती है जो काफी यूनिक था, और ऐसी चीजें तो पृथ्वी पर मिलती ही नहीं थी। आखिरकार गैलर ये चीजें कैसे देख पा रही होती है कि हमें कुछ समय में पता चल ही जाएगा। यहाँ कमरे के अंदर सैम ने टेड के बॉडी में वो गेम पॉड इंसर्ट कर दिया होता है, यानी कि टेड पूरी तरीके से रेडी था वो बायोमेडिकल वाला वर्चुअल रियलिटी डिवाइस इंसर्ट करने के लिए, जिससे कि गैलर ये कंफर्म कर पाएगी कि उसका गेम प्रॉपरली चल रहा है। गैलर को ग्रीन चिप मिलने के बाद वो तुरंत ही गेम को कनेक्ट करने के लिए टेड के बॉडी में आ गई। उसने टेड के पीछे वो सारी चीजें कनेक्ट कर दी थी जिससे कि वर्चुअल रियलिटी वाला गेम चालू हो सकता था। थोड़ी देर तक कनेक्ट करने के बाद वो सारी चीजें एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही होती हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर अचानक गेम के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट होने लगा और टेड वर्चुअल रियलिटी की दुनिया से कनेक्ट ही नहीं हो पाता। फिर बाद में जाकर पता चलता है कि ये सैम का काम है जिसने कि एक इन्फेक्टेड गेम पॉड टेड के बॉडी में डाल दिया है, और इसी इन्फेक्टेड गेम पॉड की वजह से वो वर्चुअल डिवाइस पूरी तरीके से खराब हो गया। दरअसल बात ये होती है कि सैम को पता चला था कि गैलर को पकड़ने पर काफी सारा इनाम मिलने वाला था, और साथ ही साथ गैलर के अगेंस्ट में जो कंपनी काम किया करती थी उसने ही ये इनाम रखा होता है। अगर कोई इंसान गैलर के उस बायोमेडिकल वाले वर्चुअल रियलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसीलिए सैम ने इन सारे पैसों के लालच में आकर अपने ही साथी को धोखा दे दिया। सैम अब गन निकाल लेता है गैलर को जान से मारने के लिए, लेकिन टेड वहाँ पर मौजूद था और उसने पीछे की तरफ से गैलर को बचाने के लिए सैम को ही जान से मार दिया, जिसके बाद टेड तुरंत ही गैलर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। गैलर को इन चीजों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी भी थोड़ी सी होप होती है क्योंकि उसका बायोमेडिकल वाला वर्चुअल रियलिटी डिवाइस खराब नहीं हुआ होता, सिर्फ थोड़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से वो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए गैलर टेड को लेकर सीधा अपने विनेगर नाम के एक दोस्त के पास चली गई। विनेगर तो अपनी इलीगल लेबोरेटरी चलाया करता था अपने घर के अंदर ही, लेकिन इन सारी चीजों में गैलर उसकी मदद करती थी इन चीजों को छुपाने के लिए, इसीलिए विनेगर को गैलर की मदद करनी ही होगी। गैलर के कहने पर विनेगर ने अपनी पूरी रिसर्च अप्लाई कर दी उस वर्चुअल डिवाइस को ठीक करने के लिए। यहाँ जाकर हमें पता चलता है कि वो वर्चुअल डिवाइस जो कि इंसानों पर इतनी अच्छी तरीके से काम किया करता था, वो बहुत सारे जानवरों के डीएनए से बनाया होता है, जिसमें काफी सारे न्यूरो सेल्स मौजूद थे जो इंसानों के बॉडी से कनेक्ट हो जाते। कई घंटों के लगातार काम करने के बाद आखिरकार विनेगर ने उस डिवाइस को ठीक कर लिया था। यहाँ गैलर भी बिल्कुल रुक नहीं पा रही थी और वो अपनी गेम को करप्ट होने से बचाने के लिए तुरंत ही टेड के अंदर बनाए गए गेम पॉड के अंदर अपने वर्चुअल रियलिटी के पाइप्स घुसा देती है, क्योंकि यहाँ विनेगर ने उस इन्फेक्टेड हुए गेम पॉड को भी ठीक कर दिया था जो कि टेड के बॉडी में होता है। यहाँ गेम पॉड में पूरी तरीके से कनेक्ट करने के बाद वो पहुंच जाते हैं वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में। उस दुनिया में दिखाया गया एक अजीब तरीके का समय जो काफी एडवांस था, लेकिन टेड को इन सारी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता। टेड तो वर्चुअल रियलिटी के फर्स्ट लेवल में आकर काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसे गेम का प्लॉट नहीं समझ में आ रहा होता। तभी टेड जब आसपास एक्सप्लोर करता है तो पता चला कि वो एक गेम शॉप में मौजूद है, और उसके ठीक सामने कुछ ऐसे एडवांस गेम पॉड्स रखे गए थे जो कि गैलर के बनाए गए वर्चुअल रियलिटी से काफी एडवांस होते हैं। दरअसल ये बायोमेडिकल से रिलेटेड वर्चुअल गेम्स गैलर की कंपनी के अपोजिट में काम किया करते थे, और उन्होंने बहुत ही कम समय में ऐसे बहुत ही छोटे छोटे मिनी गेम्स बना लिए जिससे कि इंसान कहीं भी खेल सकता था। गैलर भी कुछ समय में वहां आ जाती है जो टेड को सारी बातें समझाने लगी थी। वो दोनों साथ में जैसे ही आगे बढ़े तभी उनके सामने डार्सी नाम का एक कैरेक्टर आ जाता है। ये वर्चुअल रियलिटी का एक पार्ट था जो कि कोई इंसान नहीं होता बल्कि गेम का पार्ट होता है जो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। टेड डार्सी से सारी बातें करता है कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन डार्सी कुछ जवाब नहीं दे रहा था और कहता है कि मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला। वो तो एकदम अजीब तरीके का बिहेव कर रहा था जैसे कि वो कोई रोबोट हो। इस बात से टेड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, पर टेड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। वो तो नॉर्मल जिंदगी में काफी ज्यादा शांत और काम आदमी है। तब जाकर गैलर टेड को समझाती है कि ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा कैरेक्टर ही शुरुआत से इस गेम में ऐसा था इसीलिए तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। और तो और गैलर टेड को ये भी समझाती है कि ये जो डार्सी नाम का कैरेक्टर है ये तुमसे कैरेक्टर लैंग्वेज में एक प्रॉपर सेंटेंस पूछना चाहता है, वो बताने पर ही ये तुम्हें आगे जाने देगा। टेड को धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद डार्सी को बातें बोल देता है जो कि गेम की लैंग्वेज थी, जिसके बाद डार्सी रिएक्ट करते हुए कहता है कि यहाँ से तुम नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो। एक तरीके से डार्सी इस पूरे वर्चुअल रियलिटी के गेम का एंट्री पॉइंट था जो कि उन्हीं यूजर्स को आगे बढ़ने के लिए देता था जो कि अपना पासवर्ड जानते थे। टेड को धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी, लेकिन अब डार्सी उन दोनों को बताता है कि तुम्हें मिनी गेम पॉड की जरूरत पड़ेगी जिसे कि तुम अपने बॉडी में इंसर्ट करोगे और नेक्स्ट लेवल में जाओगे। अच्छी बात तो ये होती है कि गैलर और टेड दोनों के बॉडी में वो सारे इंसर्शन पॉइंट रेडी थे जिसमें कि वो बायोमेडिकल वर्चुअल गेम को इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों के बॉडी में जल्द से जल्द इंसर्ट करने के बाद वो अब लेवल 2 के लिए रेडी हो चुके थे। लेकिन गैलर जिसने कि ये पूरा गेम डिजाइन किया होता है उसे अभी भी डार्सी नाम के कैरेक्टर के अंदर कुछ कमी लग रही थी और ये महसूस हो रहा था कि उसने कितनी लापरवाही बरती है। इसके अंदर और भी ज्यादा अच्छे चेंजेस किए जा सकते थे ताकि यूजर्स को एंट्री पॉइंट काफी अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिलहाल के लिए उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। उसे सबसे पहले चेक करना है कि उसका प्रॉपरली गेम चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर गेम के अंदर एक भी लूप होल मिला तो सारे के सारे यूजर्स जो इंटर होंगे वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। गैलर तो अब टेड को लेकर लेवल 1 की तरफ बढ़ने लगती है जो कि गेम की शुरुआत थी, यानी कि इस गेम के अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं जिसे कि यूजर्स को कंप्लीट करना होगा। थोड़ी देर के बाद अब टेड जब अपनी आंखें खोलता है तो वो एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद था। वो तो वहाँ पर एक वर्कर की तरह काम कर रहा होता है जिस तरीके से सारे लोग काम कर रहे थे। ये एक ऐसी फैक्ट्री थी जहाँ पर वही सारे गेम्स बनाए जाते थे, वो भी अलग अलग जानवरों के बॉडी को लेकर, जैसे कि सैलेमेंडर और फ्रॉग के डीएनए मिलाकर ये चीजें
बनाई जाती थी। अब इन्हीं सारी चीजों में काम करते समय टेड की मुलाकात नॉरिच नाम के एक आदमी से होती है। नॉरिच भी उस गेम का एक कैरेक्टर था जो कि टेड से ये कह रहा होता है कि चलो मैं काम के बाद तुम्हें चाइनीज रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा जहाँ स्पेशल फूड मिलता है। टेड जिस कैरेक्टर में मौजूद था उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, इसीलिए वो नॉरिच को ना नहीं कहता और उसके साथ चला जाता है। गैलर भी अब उसके साथ आने लगी थी जो सभी लोग मिलकर उस चाइनीज रेस्टोरेंट में चले गए। उनके सामने तो एक चाइनीज वेटर आता है जिससे कि उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया था। वो चाइनीज वेटर बहुत ही फास्ट वे में स्पेशल ऑर्डर लेकर आता है और उनके डेस्क पर रख देता है, लेकिन वो डिश देखने में बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लग रही थी और काफी ज्यादा घिनौनी होती है, जैसे कि उसके अंदर किसी मरे हुए जानवर का मांस डाल दिया हो। लेकिन अचानक टेड का मन करने लगा कि वो इस डिश को उठाकर खा ले और वो तुरंत ही उसे उठाकर खाने भी लग जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेड जिस कैरेक्टर में मौजूद है उसकी बिहेवियर थे। वो बिल्कुल भी नहीं सोचता कुछ भी करने से पहले और वो कैरेक्टर कर देता है। टेड तुरंत ही उन सारे डिशेज को खाकर सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में हड्डी बचती है। लेकिन अब अचानक टेड ने उन्हीं हड्डियों की मदद से एक गन तैयार कर ली थी। ये उसी तरीके की गन होती है जिसे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और ये गन इंसानों के दांत से चलती थी। टेड जिस कैरेक्टर में मौजूद होता है अचानक उससे मन करने लगा कि वो इस गन की मदद से किसी की जान ले ले। वो तो उस गन को डायरेक्टली गैलर के ऊपर पॉइंट कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। गैलर भी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, लेकिन एंड मोमेंट पर उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया और टेड ने उसी चाइनीज वेटर को जान से मार दिया। गोली चलने के बाद ही वो वेटर मारा जाता है और सभी लोग उन्हें देखने लगे थे, लेकिन वर्चुअल रियलिटी की गेम होने के कारण यहाँ पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वो लोग अपना अपना काम करने लग जाते हैं और यहाँ टेड और गैलर वहाँ से कहीं दूर निकल जा रहे थे। जैसे कि इस वर्चुअल रियलिटी की गेम में किल करना और लोगों को खत्म करना बड़ी आम बात होती। हमें अब कुत्ता दिखाया जाता है जो कि उसी हड्डी वाली गन को अपने साथ लेकर कहीं चला गया था। अब यहाँ नॉरिस टेड और गैलर से मिलता है जो उन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों टेस्ट में पास हो चुके हो। ये सारी चीजें एक टेस्ट थी जिससे कि हम ये कंफर्म कर सके कि तुम हमारी टीम में काम कर सकते हो कि नहीं। नॉरिस तो यहाँ पर रेसिस्टेंस नाम की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और ये सभी उस कंपनी का विरोध करते थे जो ये सारी गेम्स बना रही है। दरअसल कंपनी अलग अलग जानवरों को मारकर उनका डीएनए निकालती और न्यूरो सेल्स की मदद से वो गेम बनाती, जिससे कि वो गेम बनाकर लोगों के बॉडी में इंसर्ट किया जाता और उन्हें रियलिटी के बजाय उस वर्चुअल दुनिया में भेज दिया जाता था जिसका कोई नामो निशान नहीं है। ये चीजें नॉरिस और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने साथ मिलकर डिसाइड किया कि भले ही वर्चुअल रियलिटी का एक कैरेक्टर होने के कारण हमें उन इंसानों की सुरक्षा करनी चाहिए जिनके अंदर सच में जान होती है, और इस कंपनी की प्रोडक्शन बंद करने के बाद ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती थी। जिसका साफ साफ मतलब ये है कि इस वर्चुअल रियलिटी के गेम के कैरेक्टर्स भी उस कंपनी वालों के अगेंस्ट हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी का गेम बनाए हैं। टेड और गैलर भी इस बात पर काफी ज्यादा सोचने लग जाते हैं, इसीलिए अब टेड और गैलर ने डिसाइड किया कि वो रेसिस्टेंट ग्रुप के साथ मिल जाएंगे और वर्चुअल रियलिटी की कंपनी वालों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। नॉरिस तो उन्हें अपना एक प्लान बताता है कि हम सभी एक इन्फेक्टेड गेम पॉड लेंगे जिसे कि धीरे धीरे चारों तरफ स्प्रेड करने के बाद हम सारी फैक्ट्री में भी फैला देंगे। ऐसा होते ही जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं वर्चुअल रियलिटी के गेम के वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड होकर खत्म हो जाएंगे। गैलर और टेड को भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो एग्जीक्यूट करने के लिए उसी गेम शॉप में चले गए। लेकिन अब यहाँ पर उनकी मुलाकात ह्यूगो नाम के एक आदमी से होती है जो एक रियलिटी बता रहा था कि नॉरिस नाम के जिस आदमी के साथ तुम लोग मिले हुए हो वो दरअसल तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नॉरिस जो खुद को रेसिस्टेंट ग्रुप का मेंबर बोलता था उसे कंपनी वालों ने काफी सारे पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया होता है, इसीलिए वो तुम्हें आगे चलकर धोखा जरूर देगा। अब गैलर और टेड को समझ में नहीं आता कि वो किस बात पर भरोसा करे, क्योंकि ह्यूगो भी इस वर्चुअल रियलिटी के गेम का कैरेक्टर ही होता है, लेकिन उसने प्रूफ दिया कि मैं शुरुआत से ही रेसिस्टेंट ग्रुप का मेंबर हूं और मुझे ये पता है कि कंपनी वाले सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं कि उनकी अगेंस्ट कौन कौन काम कर रहा है। वो सभी को ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लेते, इसीलिए अब टेड और गैलर को ये बातें पता चलने के बाद वो नॉरिस के ऊपर नजर रखने लगे। उन दोनों के पास अब वो इन्फेक्टेड गेम पॉड भी आ चुका होता है जिसे कि अब गैलर ने अपनी बॉडी के अंदर डालकर इन्फेक्ट करने का डिसीजन लिया और वो इसी इन्फेक्शन को पूरी फैक्ट्री के अंदर फैला देगी। गैलर के राजी होने के बाद टेड उस इन्फेक्टेड गेम पॉड को उसके बॉडी में इंसर्ट कर देता है, लेकिन ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा पावरफुल था कि गैलर की तबीयत खराब हो गई और वो हिल भी नहीं पा रही थी। टेड पूरी तरीके से गैलर का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से नॉरिस आ चुका था जो कि पूरी तरीके से उस इन्फेक्टेड गेम पॉड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि कंपनी वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी पर कोई फर्क पड़े। नॉरिस पूरी कोशिश कर रहा था उस इन्फेक्टेड गेम पॉड को आग लगाने की, हालांकि वो गेम पॉड जल तो जाता है लेकिन उसके अंदर से इन्फेक्टेड जर्म्स बाहर निकलने लगे थे। ये इन्फेक्शन देखते ही देखते पूरी जगह पर फैल जाता है और अब उस जगह पर आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सारी चीजें जलने लगी। गैलर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर नॉरिस को पीछे से आके मार देती है। हालांकि टेड कोशिश कर रहा था गैलर और अपने आप को सेव करने के लिए, लेकिन आग के अंदर वो दोनों भी जल चुके थे और उसी गेम के अंदर मर जाते हैं, यानी कि वो गेम के लेवल 1 के अंदर ही मारे गए जिससे कि वो रियलिटी की दुनिया में अब वापस आ जाते हैं। ये तब का समय था जब वो दोनों मॉडल के अंदर मौजूद थे और वहीं से उन्होंने गेम के अंदर एंटर किया था। उन दोनों को नहीं समझ रहा होता कि आखिरकार इस गेम का सॉल्यूशन क्या होगा, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कंपनी वाले अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। अब गैलर तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके गेम पॉड में जो इन्फेक्शन मौजूद था वो रियलिटी में भी यहाँ आ चुका होता है, और यही सेम इन्फेक्शन हमें टेड के बॉडी पर भी देखने मिल रहा था। गैलर तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है।
तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि शायद इसके पीछे विनेगर ही हो सकता है जिसने कि जानबूझकर इन्फेक्टेड गेम पॉड टेड के बॉडी में डाल दिया था। और अब टेड पूरी तरीके से कमजोर होने लगा था इन्फेक्टेड गेम पॉड के कारण। इसीलिए गैलर टेम्पररी क्योर के लिए उसके बॉडी में कुछ चेंजेस करती है और उसे ठीक कर देती है, लेकिन यह ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं रहने वाला। लेकिन तभी अचानक उस मॉटल के अंदर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि दरवाजे और पूरी खिड़कियां तोड़ते हुए कोई अजनबी घुस गया था। ये और कोई नहीं बल्कि ह्यूगो होता है जो कि उसी वर्चुअल गेम का एक कैरेक्टर था। ह्यूगो ने तो अपने हाथ में गन ली होती है और सोल्जर के कपड़े पहने थे। गैलर और टेड जैसे ही ह्यूगो को देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि आखिर वर्चुअल रियलिटी के वो कैरेक्टर रियल वाली दुनिया में कैसे आ चुके हैं। एक समय पर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो अभी भी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में ही है, लेकिन यहाँ ह्यूगो की बात करने पर उन्हें पता चलता है कि ह्यूगो को गैलर के बारे में सारी जानकारी पता है। ह्यूगो तो ये कह रहा था कि गैलर एंटेना नाम की कंपनी के लिए काम करती है और वो वही डेवलपर है जिसने कि ये गेम बनाया है। गैलर भी शॉक हो गई क्योंकि ये उसकी पर्सनल बातें थी। आखिरकार वर्चुअल रियलिटी के कैरेक्टर उसके बारे में ये चीजें कैसे जान सकते हैं, यानी कि ये असली दुनिया में ही हो रहा है जिसमें कि ये वर्चुअल कैरेक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। गैलर और टेड का दिमाग खराब होते जा रहा था इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि कोई भी चीजें उनकी एक्सपेक्टेशन से अलग ही हो रही थी। ह्यूगो जो कि रेसिस्टेंट ग्रुप से बिलोंग करता है उसने डिसाइड कर लिया कि वो गैलर को जान से मार देगा क्योंकि उसी ने ये गेम बनाया होता है जो इंसानों को एक अलग दुनिया में लेकर जाती है। ये नेचर के पूरी तरीके से खिलाफ था, इसीलिए ह्यूगो गन उठाकर गैलर को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी अचानक पीछे से विनेगर भागता हुआ आया और उसी हड्डी वाली गन की मदद से ह्यूगो को शूट करके जान